निकाली है मशीन और कपड़े इंतहा के बहुत ज्यादा। हनी साहब भी उठे हुए हैं तो कपड़े इधर देखो नहीं इधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सब खारिज हूँ यार। अभी जो है सुबह के बज रहे 9 और मैं उठ गई हूँ बिकॉज हमें आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं तो मैंने लगानी है मशीन। मैंने कहा चलिए अभी सब सो रहे हैं। अभी हनी उठा तो मेरी आँख खुल गई तो हनी साहब उठे हुए हैं। अभी यहाँ पे बांधते हैं नेट और लगाते हैं मशीन। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा मजे का। तो फिर ब्लॉग स्टार्ट करके तो वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। काली मशीन और कपड़े इंतहा के बहुत ज़्यादा। हनी साहब भी उठे हुए हैं तो कपड़े इंतहा के बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह ही उठ के 9 बजे मैंने कलाया, बहुत सारी पेंटें हैं, कपड़े ये वो सारा कुछ, तो काफ़ी सारे कपड़े धोने वाले हैं। हनी साहब में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, नानों को आने भाग पड़ रही है। हनी साहब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उठ गए सो के? तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करें फिर आप। लाइक करें, खड़े होके सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग बोलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ए फ्यू मिनट्स लेटर, अभी बस कपड़े शपड़े धो के जी ये पढ़ाई इधर मम्मा सिर्फ यहाँ पे हो रही है सफाइयाँ वगैरह। तो मैं कपड़े शपड़े धो कर देखी हूँ, पुष्प डाल आई हूँ, फ्री हो गई हूँ और अब होने लगी हनी की कटिंग। घर में कटिंग, आपके बाल कटेंगे नहीं, करवानी है आपने कटिंग हैं? तो शर्म क्यों आ रही है कटिंग करवाने पे जी? ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी मजदूरी करके आया ये बंदा है ना जी। चलो हनी के बाल पहले गीले करो और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फिर मैंने जाना है काम से। ओके हनी की कटिंग होने लगी है। हनी आप कहाँ पे आए हुए हो, सैलून में आए हुए हो? कौन से सैलून में आए हुए हो, बार्बर शॉप पे आए हुए हो? वो ड्रॉअर में। चलो हनी की कटिंग होने लगी है भाई, मजे हो रहे हैं मजे। इतना ज्यादा गीला नहीं करता कि बिल्कुल ही गीला कर दो ना, तो अभी मैं इसके बाल निकाल। कभी किसी ने घर में ऐसे कटिंग की है बच्चों की ट्रिमर से? देखते ट्रिमर से नहीं होगी, सीजर से होगी, ट्रिमर से सिर्फ कलमे बनेंगे। अच्छा चलो जी, हनी की हो रही है कटिंग, कटिंग हो रही है हनी की। हनी आपकी कटिंग हो रही है, इधर देखो नहीं इधर। A few moments later. आ रही हूँ काम से तो मैं घर पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा चले यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, बस अभी जा रही हूँ काम से फ्री होकर तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग कर दूँगी। वाला रिक्शा वाला रिक्शा वाला रिक्शा ढूंढते हैं, उसे रिक्शा पकड़ते हैं यहीं से। ओ भाई साहब रिक्शे वाले कहाँ गए, अंकल जाएंगे? चलो भाई रिक्शे में बैठते हैं, बहुत मुश्किल से बच गए। बस काम से फ्री होकर ब्लॉग बनाएंगे। धूप इतनी तेज़ है ना आज, आज सही आज गर्मी थोड़ी फील हो रही है, कल भी थी लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, गर्मी थोड़ी फील हो रही है। जा रही है Thank you.
1,000 years later. नींद आ रही है, बड़ा मासूम बना हुआ मिश्रे वो देखो आपकी प्राइस लेके आई हूँ मैं, आलू लेके आना मेरे आलू है, ठीक है अच्छा है। क्या है ठीक है ठीक है ठीक है, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो हनी का प्राइस, और मेरा एक सरप्राइज भी आया हुआ है, मैंने सुना है मैं अभी आई हूँ, फ्री हुई हूँ तो मैं घर आई हूँ, तो मेरा एक सरप्राइज और आया हुआ है। थैंक यू सो मच, कितना प्यारा है, वाओ माशाल्लाह। गाइस सबने माशाल्लाह कहना, ठीक है ये मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, और अभी और भी गिफ्ट्स हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी फ्री होके फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हूं। A few minutes later, सारे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, और ये वाला गिफ्ट जो है वो मुझे घर पे नहीं थी तो पीछे से रिसीव किया घर वालों ने, ये भी मेरी फ्रेंड की तरफ से है। सो ये सारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, इसके अलावा वो ये देखिए, सबने माशाल्लाह बोलना। अच्छा हनी साहब को बैलून्स मिल गए हैं, खेल लो जी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। टेडी बियर भी था, वो कप भी था, वो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था तो वो भी आप लोग देखना, वो पहले मैंने वीडियो में दिखा दिया था। ये एक और छोटा सा टेडी बियर आ गया हनी के जितना, छोटा सा बेबी आ गया हनी का। हाँ ये जूता भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। नो वेट बेटा, अभी ठहरो, ये देखिए गाइस ये जूता है, ये जूता है मेरा हाँ, एक जूता कितना प्यारा लग रहा है। अब ये नहीं कहना कि फैंस की तरफ से आया, भाई हमारे फैंस कहाँ से आ गए, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देता, प्यारा लग रहा है ना मम्मा, माशाल्लाह। हनी बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ड्रेस है, नो बेटा ये एक ड्रेस है, उसके साथ का जूता है, ड्रेस है साथ में, टू पीस है। चलो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे गिफ्ट दिए, ठीक है थैंक यू। क्या है हनी साहब, मेरी सारी चॉकलेट्स मेल्ट हो रही हैं, कहते हैं मेल्ट हो रही हैं। गाइस अभी मैं आई हूँ काम से फ्री होके घर, तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो पार्सल किस चीज़ का ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप सब भी जानते हैं आगे समर भी आ रहा है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा, स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरी स्किन वैसे ही आप लोग देख रहे होंगे वैसे तो मास्क में, लेकिन ऊपर से नज़र आ रही होगी काफ़ी ख़राब हुई हुई है, हुई भी है ना मेरी का स्किन काफ़ी ख़राब हुई हुई है पर्सनली, सो वैसे तो आप लोगों को नहीं नज़र आ रही होगी, तो मैंने स्किन केयर कुछ ऑर्डर्स की थी डॉक्टर राशील की प्रोडक्ट्स, तो ये देखें बैग गैलरी से, तो ऑफ चल रहा था तो मैंने इसके, तो अभी बस इनको खोलते हैं, इन्होंने रिसीव किया था, ये पकड़ी जरा फोन, इसको खोलूं मैं, बैग गैलरी से मैंने ऑर्डर किया था। वाह जी वाह, अच्छा ये रोज ऑयल है, ग्लो रिस्टोरिंग सीरम, ओके, और ये था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दो तीन चीजें थी मेरी, और डीप क्लींजिंग, ओके मेरा जब मैं इसको यूज करूंगी तो इसके रिव्यूज मैं आप लोगों को इंस्टा पे दूंगी, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहां जाके आप लोगों को मेरी इस पे वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है, तो इंस्टा का अकाउंट मेरा वैसे मेंशन है, अबाउट में जाएंगे तो यूट्यूब के, इट्स नॉट पेड प्रमोशन, क्लियर कर दो। हाँ और ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाई है, ठीक है, तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैंने कहा चले यूज करूंगी आप लोगों को भी बता दूंगी, ठीक है, तो बाकी मेरी वीडियो आप लोगों ने इंस्टा पे जाके देखनी है, ओके, अब बस जब ये यूज करेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ अभी।